नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, सामने आई तस्वीर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यानी रविवार को भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। बता दें कि सोमवार को द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह है। इससे ठीक पहले हेमंत सोरेन ने दिल्ली स्थित मुर्मू के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला होगी जिन्हें देश के सर्वोच्च पद के लिए चुना गया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी है। उन्होंने लिखा है कि देश की राष्ट्रपति निर्वाचित आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से दिल्ली में भेंट हुई। आदरणीय द्रौपदी जी को समस्त झारखंड वासियों की ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं और जोहार। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही द्रौपदी मुर्मू की आवाज पर नेताओं का जुटान होने लगा था। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। दोनों की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। 27 जुलाई को लोहरदगा आएंगे सीएम हेमंत सोरेन, कार्यक्रम को लेकर तैयारी तेज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 जुलाई को लोहरदगा आएंगे। इस दौरान वह मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को योजना का लाभ भी देंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, साथ ही योजनाओं को पूर्ण करने को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम लोहरदगा जेएमएम को मजबूती देने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम के कार्यक्रम में मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित किया जाएगा। कार्यक्रम में लोहरदगा के साथ साथ गुमला, रांची, लातेहार एवं खूंटी जिले के लाभुकों को लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम में कुल 9,560 बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुक लाभान्वित हो पाएंगे, जिसमें रांची जिले के 1500, लातेहार जिले के 1500, गुमला जिले के 2500, खूंटी जिले के 2000 और लोहरदगा जिले के 2000 किसानों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर जिला स्तर पर एक पदाधिकारी के नोडल अधिकारी के रूप में नामित करने को कहा गया है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। डीएसपी की खड़ी गाड़ी में मारी टक्कर, रात्रि गश्ती में थे अधिकारी, धक्का मारने वाली गाड़ी हुई डैमेज, चोट के बाद डीएसपी को कराया गया मेडिका में भर्ती। राजधानी के अरगोड़ा थाना अंतर्गत अशोक नगर इलाके में बीती रात डीएसपी हेडक्वार्टर 1 की खड़ी गाड़ी में एक कार ने टक्कर मार दी। इस घटना में डीएसपी नीरज कुमार और उनके बॉडीगार्ड को चोट आई है। घटना देर रात की है, जब वह रात्रि गश्त पर थे। घटना के बाद दोनों को आनन फानन में रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। डीएसपी की गाड़ी टक्कर मारने वाली कार में 4 युवतियां और 2 युवक सवार थे। इस घटना में वे भी मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। उन्हें पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया है। 24 घंटे में मिले 157 नए मरीज, 153 हुए स्वस्थ, एक्टिव केस 1236। झारखंड में कोरोना फिर पांव पसार रहा है। हर दिन 150 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। वहीं राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या भी 1200 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में सूबे में 157 नए मरीज मिले हैं, वहीं 153 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1236 हो गई है। राजधानी रांची में कोरोना के सबसे ज्यादा 417 सक्रिय मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 38 केस रांची में मिले हैं, जबकि जमशेदपुर में 26, बोकारो में 25, चतरा में 5, देवघर में 22, धनबाद में 4, दुमका में 4, गिरिडीह में 1, गोड्डा में 8, हजारीबाग में 10, खूंटी में 1, कोडरमा में 6, लातेहार में 3, रामगढ़ में 3, पश्चिमी सिंहभूम में 1 कोरोना के मरीज मिले हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेएससी ने अब भी रद्द नहीं की जेई नियुक्ति परीक्षा, सांसद दीपक प्रकाश ने कहा बड़ी रकम की हुई उगाही। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जूनियर इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा लीक की गई। इस परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला तूल पकड़ा। इसके बाद धनबाद के अभ्यर्थियों की ओर से मामला दर्ज कराया गया। मामले की जाँच के बाद प्रश्न पत्र लीक करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आयोग ने इस परीक्षा को रद्द नहीं किया। इस बाबत राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि इस मामले में बड़ी रकम की उगाही हुई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि जेएससी जेई के प्रश्न पत्र लीक का मामला अत्यंत गंभीर है और इससे राज्य सरकार द्वारा ली जा रही सभी परीक्षाओं पर सवाल खड़ा होता है। युवाओं के आंदोलन के बाद आयोग की नींद खुली, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक इस परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि बड़ी रकम की उगाही हुई है।
रांची के मोरी में एलएफपी एक्सप्रेस से 5 लाख से ज्यादा का गांजा जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। मोरी रेलवे स्टेशन पर एलएफपी धनबाद एक्सप्रेस से भारी मात्रा में गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। महिला निरीक्षक सुनीता पन्ना के अनुसार अवैध परिवहन के संबंध में सूचना मिलने के बाद आरपीएफ मोरी के इंस्पेक्टर रूपेश कुमार के साथ चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मोहम्मद हशमुद्दीन बताया, जो कि गिरिडीह का रहने वाला है। पूछताछ में उसने यह कबूल किया है कि बैग में गांजा था, जिसे ओडिशा से खरीदकर गिरिडीह में खपाने की योजना थी। बरामद गांजे की कीमत बाजार में 5,09,000 रुपए बताई जा रही है। खेल मैदान के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश। ग्रामीण विकास विभाग ने सारे जिलों को वीर सहित पोटोहो योजना के तहत खेल मैदान का निर्माण तेजी से करने का निर्देश दिया है। विभाग ने कहा है कि पंचायतों में खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध करानी है, साथ ही ग्रामीणों के लिए रोजगार का सृजन करना है। योजना के तहत मैदान के साथ शौचालय और चेंजिंग रूम भी तैयार किया जा रहा है। फिलहाल 3,329 पोटोहो खेल मैदान के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध 828 खेल मैदान का निर्माण पूरा हो गया है। वहीं 2575 मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में 191, पूर्वी सिंहभूम में 63 एवं हजारीबाग में 60 खेल मैदान का निर्माण हो चुका है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस जल्द करेगी मंथन। राष्ट्रपति चुनाव में अपने विधायकों द्वारा किए गए क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस मंथन करेगी। इसके लिए 28 या 29 जुलाई को विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। इस बैठक में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल रहेंगे। दोनों नेता कांग्रेस विधायकों से 1-on-1 मुलाकात कर सभी वस्तु स्थिति से अवगत होंगे। इससे पहले कांग्रेस के विधायक दिल्ली भी तलब हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के विधायक खुद के क्रॉस वोटिंग से इनकार कर रहे हैं और उंगली दूसरे विधायकों की ओर उठा रहे हैं। बावजूद इसके इतना तय है कि क्रॉस वोटिंग हुई है और कांग्रेस के 9 से 10 विधायकों ने ऐसा किया है। कुछ कांग्रेस विधायक ने पहले भी कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा का समर्थन करने से पहले पार्टी विधायकों से इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। तैयारी, ड्राइविंग लाइसेंस 24 घंटे में पहुंचेगा घर। राज्य में अब जल्द ही लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के 24 घंटे के भीतर उन्हें मिल जाएगा। इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल परिवहन विभाग ने जिस आउटसोर्सिंग एजेंसी को डीएल की होम डिलीवरी का जिम्मा सौंपा है, उस एजेंसी ने अब डाक विभाग से इस संबंध में डिलीवरी दर को लेकर प्रस्ताव मांगा है। वहीं डाक विभाग ने भी परिवहन विभाग और कंपनी के बीच हुए करार की प्रति मांग की है। डाक विभाग के वरीय अधिकारी के मुताबिक अगर आउटसोर्सिंग एजेंसी और उनके बीच नियमानुसार कोई परेशानी नहीं हुई तो जल्द ही विभाग इसका काम ले लेगा। इसके बाद सूबे में डीएल को लोगों के घरों तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेवारी डाक विभाग ले लेगा। गौरतलब है कि अभी लगभग सभी जिलों में जिला परिवहन कार्यालय की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत होने के बाद लोगों तक पहुंचने में 15 दिन से 1.5 महीने का समय लग जाता है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस व्यवस्था के शुरू होने से लोगों को इस परेशानी से निजात मिलेगी। राज्य के हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों की होगी जांच। राज्य सरकार और झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक से मान्यता प्राप्त लगभग 1,000 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा व संस्कृत स्कूलों की जांच होगी। स्कूल कॉलेजों की जांच की जिम्मेदारी जैक को दी गई है। शिक्षा विभाग के पत्र के अनुरूप जैक ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीओ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी में संबंधित प्रखंड के सीईओ व जैक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 6 वर्ष बाद स्कूल कॉलेजों की फिर से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2016-17 में विभाग के निर्देश के बाद डीसी की देखरेख में जांच हुई थी। इसके बाद राज्य भर के लगभग 150 हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी गई थी। जांच में इन स्कूल कॉलेजों का संचालन मापदंड के अनुरूप नहीं पाया गया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जैक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विभाग को शिकायत मिली है कि कुछ स्कूल और कॉलेज मान्यता की शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, इससे अनुदान स्वीकृत करने में कठिनाइयां होती हैं। रांची में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हथियार के साथ 5 क्रिमिनल अरेस्ट, ब्राउन शुगर और गांजा बरामद। अपराधियों के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी दबिश दी है। एक तरफ जहां पुलिस की टीम ने पुंदाग इलाके से 5 अपराधियों को 3 हथियार सहित धर दबोचा है, वहीं अरगोड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर और गांजा बरामद किया है। एसएसपी किशोर कौशल के सूचना पर शनिवार देर रात तक चली पुलिस की कार्रवाई में यह सफलता हाथ लगी है। मिली जानकारी के अनुसार पुंदाग इलाके में अपराधियों के द्वारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम तुरंत एक्शन में आई, जिसका फायदा भी मिला। मौके से 5 अपराधी धर दबोचे गए हैं, जिनके पास से 3 उम्दा हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं रविवार की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर ही पुंदाग और अरगोड़ा इलाके में रेड कर ब्राउन शुगर और गांजा भी बरामद किया गया है।
पर्यटन नीति, झारखंड में निवेश पर विशेष पैकेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में शनिवार को झारखंड की नई पर्यटन नीति 2021 लॉन्च की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नक्सली गतिविधियां नहीं के बराबर है और वह दिन दूर नहीं जब यहां की वादियों में गोलियों की गूंज के बदले पर्यटकों के ठहाके सुनाई देंगे। सीएम ने राज्य में पर्यटन उद्योग में निवेश करने वालों के लिए कई घोषणाएं भी की है। कहा, राज्य में निवेश के लिए जो आएंगे उसे पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत विशेष पैकेज दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हम जितने संपन्न जमीन के भीतर हैं उतने ही ऊपर भी हैं। राज्य में कई ऐसे इलाके हैं जो शिमला, कुल्लू और मनाली का एहसास कराते हैं। इन इलाकों को संरक्षित किया जा रहा है। तय किया गया है कि पर्यटन में आगे बढ़ना है, इससे रोजगार मिलेगा, ग्रामीण इलाकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और पलायन रुकेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।